मेरठ के भावनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों की डीजे की गाड़ी का फ्रेम हाई टेंशन तार से छू गया, जिससे पूरी गाड़ी में करंट दौड़ गया। घटना में आधा दर्जन शिव भक्तों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में कई झुलस गए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बता दें कि मेरठ हादसे में अब तक 6 जनहानि होना बताया जा रहा है। कुल 16 कांवड़िये गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को भर्ती कराया गया था। अभी 4 लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वालों में 2 सगे भाई थे। हादसे को लेकर MD पावर बी चैत्रा, कमिश्नर जे सेल्वा कुमारी और जिला अधिकारी दीपक मीणा ने अलग अलग जांच बैठाई है। साथ ही 48 घंटे में जांच की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। पूरे मामले पर मेरठ के DM का बयान आया है। दीपक मीणा ने बताया कि इस हादसे में 5 कांवड़ियों की जान गई है। अन्य को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, इनका इलाज चल रहा है। DM ने बताया कि सभी कांवड़िये उत्साह से कांवड़ लेकर जा रहे थे। इनके वाहन में संगीत बज रहा था। मेरठ के भावनपुर क्षेत्र के राली चौहान गांव के पास वाहन में लगे DJ का एंगल 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन तार से छू गया, इससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। आज 8:15 के करीब राली चौहान गांव जनपद मेरठ में, जो थाना भावनपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके DJ के साथ गांव में जा रहे थे। और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 KV की लाइन थी, जिसमें उनके DJ का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो। और बाकी की कार्रवाई भी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सभी मुहैया करवाई जा रही हैं, और आगे का अपडेट जैसे भी होगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। बता दें कि रात करीब 8 बजे कांवड़ यात्रा के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। कांवड़ियों की जान जाने की खबर सुनते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया है। घटना में हिमांशु, महेंद्र, प्रशांत और लक्ष्मी की जान जाने की पुष्टि की गई है। सभी राली चौहान गांव के निवासी हैं। घटना के बाद कांवड़ियों ने इस दर्दनाक घटना के विरोध में जाम लगा दिया। घटना की जानकारी होते ही वहां से गुजर रहे कांवड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मेरठ हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने शासन से रिपोर्ट मांगी है, ये दावा सूत्रों ने किया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में CM योगी ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से बात की। हादसे पर CM योगी ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की क्लास लगाई है। ये भावनपुर में राली चौहान से पास एक DJ जा रहा था, जिसमें 16 लोगों के होने की बात बताई गई है, जिसमें करंट लगने से लोग झुलस गए हैं। सभी अलग अलग अस्पताल में गए हैं। अभी पता किया जा रहा है कि कहां पे कितने लोग भर्ती हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है। अभी कुछ लोगों को पता चला है कि जिनका इलाज चल रहा है, और जो कैजुअल्टी बताई जा रही है यहां पर, उनको उसके बारे में भी कंफर्म किया जा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है और कितने लोग घायल हैं, कितने लोग अभी यहां गांव के लोग बता रहे हैं 3 या 4 लोगों की, उसकी कंफर्म किया जा रहा है कि कितने लोग सवार थे उस पर। उसमें 16 लोग बताए जा रहे हैं कि 16 लोग उस पर सवार थे। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही से हादसा? ये चूंकि बगल में 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, बताया जा रहा है कि शट डाउन लिया गया था, लेकिन दोबारा चालू होने से उसमें करंट आने से इस तरह की बात बताई जा रही है, इसको पता लगाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।